हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर लाइफ। आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक है ऑटोकैड। ऑटोकैड पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ ऑटोकैड की सैलरी से रिलेटेड। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपना ऑटोकैड सीखने का पर्सनल एक्सपीरियंस और आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कमांड बताऊँगा जिनकी हेल्प से आप 2D ड्राइंग आसानी से बना पाओगे। मेरी इस वीडियो का मोटिव है ऑटोकैड को समराइज करना, उसको इतना कॉम्पैक्ट बना देना कि आप कंफ्यूज ना हो कि ऑटोकैड को कहाँ से सीखना शुरू करें और कहाँ पर ख़त्म। अच्छा, सबसे पहले मैंने ऑटोकैड कब सीखा? तो ऑटोकैड मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद सीखा। उसके बाद मैंने ऑटोकैड कहाँ से सीखा, कैसे सीखा। आज के टाइम में क्या होता है, जब भी हम कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं तो हम गूगल या यूट्यूब पर जाकर सर्च करते हैं। मैंने भी वही काम करा। फिर मैंने YouTube पर एक ऐसा चैनल पकड़ लिया जिस पे 200-250 वीडियो थी। स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो हमारा इंटरेस्ट का जो लेवल होता है वो बहुत ही हाई होता है, फिर वो धीरे 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 कम होता जाता है। तो ऐसे हुआ था जब मैंने YouTube पर पहली बार सीखना स्टार्ट करा था, तो शुरू में 1-2-3 दिन तो मैं 10-10-20-20 वीडियो देखने लग रहा था। फिर धीरे धीरे टाइम ऐसे जाने लगा तो वीडियो देखना कम हो गया और एक वक्त पर वीडियो देखना डिसकंटिन्यू हो गया। पुरानी जो वीडियो देखी थी वो भी दिमाग से निकलने लगी क्योंकि प्रैक्टिस उस लेवल की हो नहीं पा रही थी। फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली। फिर कोचिंग वालों का एक एम होता है कि वो आपको सब कुछ पढ़ा देंगे, जो आपका यूज़ में भी नहीं आने वाला है वो आपको वो सारी चीज़ पढ़ा देंगे। बट हाँ, वहाँ पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। थोड़ा क्या, बहुत सारा कॉन्फिडेंस आया। क्योंकि होता क्या है, वो हमें कुछ प्रोजेक्ट भी दे देते हैं कि आप घर जाके ये बनाना, कुछ क्वेश्चन आपको समझना है तो हमसे आके पूछना। तो वही चीज़ थी कि उस सब की वजह से मैंने बहुत सारी ड्राइंग वहाँ बना ली थी और मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था। फिर मैंने इंटरव्यू दिया, मेरी जॉब भी लगी थी ऑटोकैड पर। इन शॉर्ट, अगर मैं आपको कहूँ कि इन कमांड का यूज़ क्या है जो मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप यूट्यूब से सीखो या किसी कोचिंग सेंटर में जाके सीखो, दोनों अच्छा सिखाते हैं। दोनों सबसे पहले जैसे आप ऑटोकैड को ओपन करोगे तो आपकी स्क्रीन पर यह इंटरफेस ओपन होगा। इसी पर हम सारी 2D ड्राइंग बनाते हैं। अब जहाँ मैंने एरो कर रखा है लेफ्ट साइड पर, आपको 3 सिंबल दिख रहे हैं। इन सिंबल्स को क्या कहते हैं ये आपको बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख रखा है। फिर भी आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि आप इन तीनों सिंबल पर जब क्लिक करते हो तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो क्लिक होने चाहिए, राइट जो बने हुए चेक्ड होने चाहिए, वो ऑलरेडी होते हैं लेकिन फिर भी आपको एक बार देख लेना चाहिए। अगर आप किसी इंटरव्यू में जाओ तो एक बार देख लो कि ये चीज़ चेक्ड है या नहीं है, उसके बाद ड्राइंग बनाना शुरू करना। तो जैसे आप माइनस पर क्लिक करोगे तो व्यू क्यूब, नेविगेशन बार पर क्लिक होना चाहिए, टॉप पर क्लिक करोगे तो टॉप और पैरेलल पर क्लिक होना चाहिए, 2D वायर फ्रेम पर क्लिक करोगे तो 2D वायर फ्रेम पर क्लिक होना चाहिए। ये सबसे पहला स्टेप था, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हैं वो कमांड जिनके बारे में बात कर रहा था। इनकी हेडिंग लिख रखी है मैंने, इंपॉर्टेंट कमांड्स इन ऑटोकैड फॉर 2D ड्राइंग, फॉर मैकेनिकल इंडस्ट्रियल यूज़, फॉर इंटरव्यू। अब इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप इससे मैकेनिकल की कोई भी ड्राइंग बना सकते हो और इंटरव्यू में अगर आपको कोई ड्राइंग मिलती है तो इन कमांड की हेल्प से बिल्कुल ईजिली बना सकते हो। अब आप देख रहे होंगे 1 से लेकर 46 हैं, तो सीक्वेंस ऐसे है कि 1, 2, 3, 4, 5 24 तक, उसके बाद जगह नहीं थी तो इस साइड मैंने लिखा है 25 से लेकर 46 तक। अब इनमें भी 3 कॉलम हैं, कमांड नेम, शॉर्टकट की मेथड और रिमार्क। आप शॉर्टकट की मेथड को भी बिल्कुल मत देखो, आप रिमार्क को भी बिल्कुल मत देखो। अभी आप बस ये देखो कि कमांड क्या है, क्योंकि इन कमांड का यूज़ कैसे करना है, कैसे चलाना है, वो मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा। या आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाकर चले जाओगे वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे इनको यूज़ करते हैं। और ये मैंने बिल्कुल एक सीक्वेंस में लिख रखी हैं जिससे बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी ना हो याद करने में। अच्छा, एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहला कमांड लिखा हुआ है रिबन। रिबन में क्या होता है कि जितने भी कमांड होते हैं आपको विजुअली दिखाई देंगे, जैसे कि लाइन, सर्कल, फिलेट, रेडियस, ये सब आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो जब हम किसी नई जगह इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू क्या करते हैं, इस रिबन को गायब कर देते हैं। इस रिबन का यूज़ क्या होता है, अगर आपको शॉर्टकट कमांड नहीं आते हैं तो डायरेक्टली इन कमांड पर क्लिक करोगे और वो कमांड का यूज़ आप कर पाओगे। लेकिन जब ये रिबन ही नहीं रहेगी, आपको शॉर्टकट कमांड भी नहीं आते हैं, तो अगर आपको जो ड्राइंग मिली हुई है आप उसको नहीं बना पाओगे, इससे आपका टाइम ही वेस्ट हो जाएगा। रिबन के बाद सेकंड हो गया आपका ग्रिड ऑन ऑफ, थर्ड होगा रीजनरेट। तो मतलब ये सब एक ऐसे सीक्वेंस में लिख रखे हैं कि जब आप ऑटोकैड को सीखने लगोगे तो आपको ये सारे कमांड लाइन से याद होते चले जाएंगे और बहुत इजी लगने लगेगा।
अब आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, जब आप किसी कोचिंग सेंटर में सीखने के लिए जाओगे तो वो F1, F2, F3 से लेकर F12 तक की जितनी भी की है उनके क्या क्या यूज़ हैं वो आपको बताएंगे। आप बहुत कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ये कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस F8 और F12 यही आपके काम की चीज़ है और इन्हीं को याद रखना। उसके बाद जैसे आपको ड्राइंग बनानी है तो सीरियल नंबर 6 से लेकर सीरियल नंबर 33 तक आपको वो ड्राइंग मतलब एक स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाना है वो सारे कमांड इसमें लिख रखे हैं, लाइन, सर्कल, आर्क, स्प्लैन, पॉलीगन, ऑफसेट, मूव, कॉपी, एरे। इसी तरीके से अगर आपको किसी ड्राइंग की डायमेंशन देनी है तो आपको सीरियल नंबर 38 से लेकर सीरियल नंबर 45 के बीच में जितने भी कमांड है हर तरीके की डायमेंशन आप इनसे दे सकते हो। तो ये थी वो वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाला था वो इम्पोर्टेंट कमांड जिनके यूज़ से मैंने अब तक अपने कैरियर में जितनी भी 2D ड्राइंग बना रखी हैं, 600, 700, 800 जितनी भी, सभी ने कमांड के यूज़ से बनाई हैं।